नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के तक प्रमुख खबरों को। गोवा में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होकर स्वदेश लौटे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी भारत यात्रा को सफल बताया है। वापस आने के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने कहा है कि उनकी भारत यात्रा इस लिहाज से सफल रही। भारत के साथ बातचीत से संबंधित सवाल पर बिलावल ने कहा है कि पाकिस्तान का रुख स्पष्ट है कि भारत को कश्मीर का पुराना दर्जा बहाल कर बातचीत के लिए माहौल बनाना चाहिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर उन्होंने कहा है कि भारत को छोड़कर सभी देश इसके पक्ष में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक महामारी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान किया है। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कल संगठन की इमरजेंसी समिति की 15वीं बैठक हुई है। मुझे यह बताया गया है कि अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान कर देना चाहिए। मैंने उनकी सलाह स्वीकार कर ली, इसलिए अब बड़ी उम्मीद के साथ मैं ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिट होने के बाद शानदार तरीके से अपने नए सत्र की शुरुआत की है। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उसमें जीत दर्ज की है। दोहा के कतर में हुए इस इवेंट में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में जैवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंक कर सभी को पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन से जुड़ी कमाल की रिपोर्ट सामने आई है। ओप्पो और काउंटर पॉइंट रिसर्च ने एक रिपोर्ट में शेयर किया है कि जिसमें ये बताया गया है कि हर 4 भारतीय में से 3 को नोमोफोबिया नाम की बीमारी है। करीब 72% भारतीय ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल फोन की बैटरी 20% पर पहुंचते ही लो बैटरी एंग्जाइटी होने लगती है। वहीं 65% लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके चलते इमोशनल डिस्कम्फर्ट जैसे कि चिंता, डिस्कनेक्ट, असहाय महसूस करना, छूटने का डर, घबराहट आदि होने लगती है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दी जाने वाली जीवन रक्षक दवाओं की सूची को नए सिरे से जारी किया गया है। 2023 में जारी सूची में सरकार ने कुल 611 दवाओं को शामिल किया है। जानकारी के अनुसार बिहार में 2006 में जब आवश्यक दवाओं की सूची बनाई गई उस वक्त इसमें मात्र 47 प्रकार की दवाओं को शामिल किया गया। अब दवाओं की जो नई सूची तैयार की गई है उसमें कुल 611 प्रकार की दवाओं को शामिल किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर है। उन्होंने यहाँ अपने रहने वाले भारतीयों से अपने देश के खिलाफ निराधार नैरेटिव को काउंटर करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में हिस्सा लेने ब्रिटेन पहुंचे हैं। यह उनका 2 दिनों का दौरा है। उन्होंने कहा है कि सभी को 24/7 भारत का एम्बेसडर होना चाहिए। ब्रिटेन पहुंचने के बाद इंडियन हाई कमीशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही है। बदलते वक्त और बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है। इसी के तहत सेना कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिनका पूरा होने के बाद हमारी सेना आधुनिक ज्यादा मारक हो जाएगी। बता दें कि साल 2023 इस लिहाज से अहम होने जा रहा है क्योंकि इस साल सेना में कई तकनीकी बदलाव होने की संभावना है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने प्रोजेक्ट, सीटर रैप प्रोजेक्ट, अवगत और प्रोजेक्ट अनुमान आदि शामिल है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक दौड़ेगी। यह करीब 17 किलोमीटर लंबा रूट है। इस खंड पर ट्रैक बनाने का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन के इंस्टॉलेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में 2 और कोयला खदानों का पता लगा है, जिससे अब आने वाले वक्त में कोयला भंडार और बेहतर हो जाएगा, जिसकी जानकारी कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी है। रांची स्थित सेंट्रल पब्लिक के सेक्टर इंटरप्राइजेस के गहन अन्वेषण और भूवैज्ञानिक विश्लेषण के बाद कोल माइन प्लानिंग और डीआईएन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में 2 नए कोयला खदानों की पहचान की है। ठग लोगों को अलग अलग तरह से टारगेट कर रहे हैं। साइबर क्राइम से जुड़ी एक रिपोर्ट चेक पॉइंट रिसर्च ने शेयर किया है कि जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि भारत में पिछले साल के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में वीकली साइबर क्राइम 18% बढ़ा है और हर ऑर्गेनाइजेशन को 2000 से ज्यादा साइबर अटैक प्राप्त हुए हैं। यानी हर क्षेत्र को स्कैमर्स ने टारगेट कर रखा है। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के वैज्ञानिक प्रदीप एम कुरलकर को शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी जासूसों को सूचनाएं लीक करने के मामले में जांच के बाद यह कदम उठाया गया है। वहीं अदालत ने वैज्ञानिक को 9 मई तक ATS के हिरासत में भेज दिया है। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के बाद भड़की हिंसा की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। राज्य में हिंसा थमी है लेकिन अभी भी 8 जिलों में कर्फ्यू जारी है। हिंसा की किसी भी संभावना को रोकने के लिए राज्य में सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100 से ज्यादा टुकड़ियां तैनात हैं। 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की है। ब्रिटेन में नए राजा प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक में किंग्स स्कॉलर प्रतिभागी के रूप में झारखंड के गोड्डा की बेटी ईरा दुबे भी हिस्सा लेंगी।
ईरा दुबे मूल रूप से गोड्डा के बंदनवार गांव की है। उनके पिता समीर दुबे इंग्लैंड में नौकरी करते हैं। ईरा दुबे के प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक में शामिल होने से गोड्डा सहित पूरे झारखंड का मान भरा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगी हुई है। पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की है, लेकिन इसी बीच बिहार की नीतीश सरकार ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार को हल्की राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार की याचिका के बाद जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ये सुनवाई पटना हाई कोर्ट में जुलाई के बदले अब इसी महीने में होगी। संघाई कोऑपरेशन विदेश मंत्रियों की मीटिंग का 2 दिवसीय कार्यक्रम समाप्त हो गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीटिंग में उनके सामने ही पड़ोसी देश को आतंकवाद का अपराधी बताया। अब जबकि जरदारी वापस पाकिस्तान पहुंच गए, विदेश मंत्री जयशंकर के बयान का उन्होंने पलटवार किया है। ये उनकी मर्जी है कि वो क्या बोलते हैं, मैंने वहां बयान भी दिया है, मीडिया से बात की और ये सभी रिकॉर्ड में है। असुरक्षा सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से है। मैंने वहां बिना कुछ बोले ही अपना पक्ष रखा, ऐसे में वो प्रोपेगेंडा टूट गया। सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि उन सभी देशों का जो पाकिस्तान को आतंकवाद से जोड़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उन पर देश की कई महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है और पहलवानों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह सवालों से बचते नजर आए और साथ ही गुस्सा भी हो गए। मणिपुर में सुलगती हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है। न्यूज एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मणिपुर में अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। PTI ने बताया है कि 54 मृतकों में 16 शव चुरांद चंदपुर जिला अस्पताल के मृदा घर में रखे गए हैं, जबकि 15 शव इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्था में है। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम के लामफेल में क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मरने की पुष्टि की है। बम्बई उच्च न्यायालय ने बच्चे के कस्टडी को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि कस्टडी को लेकर सख्त नहीं हो सकते हैं। बच्चों की जरूरतों और कल्याण को ध्यान में रखते हुए कभी भी फैसला बदला जा सकता है। बता दें कि अदालत 40 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने पूर्व पत्नी के पुनर्विवाह के बाद अपने नाबालिग बेटे के कानूनी अभिभावक होने की मांग की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। कई सारे सिख संगठनों और अपने समर्थकों की मौजूदगी में बीबी जागीर कौर ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। अकाली दल से बाहर किए जाने के बाद से जागीर कौर ने किसी दूसरी पार्टी का दामन नहीं थामा है, लेकिन इसके बाद भी उनके समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर उन्हें पंजाब में सरकार बनानी है तो उसे सिख समुदाय के समर्थन की भरपूर जरूरत होगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मणिपुर जल रहा है, यहाँ 54 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हमारे वीर जवान शहादत दे रहे हैं। इसके बावजूद गृह मंत्री अपने PM की तरफ से 2 शब्द संवेदना के कहे गए हैं। भाजपा के लोग कभी खिलाड़ियों को लेकर कुछ नहीं बोलते, इसके अलावा उनका आवाज कभी भी किसानों को लेकर नहीं निकलता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार कभी भी गरीबों बेरोजगारों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देशवासियों की कमाई के करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च कर चुनाव प्रचार में लीन है। पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार मारा गया है। पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था और पाकिस्तान से अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखे था। वह 1990 में भारत से फरार होकर पाकिस्तान जा चुका था। बताया जा रहा है कि अज्ञात बाइक सवारों ने लाहौर के जौहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर परमजीत सिंह पंजवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमला इतना सटीक था कि परमजीत सिंह पंजवार की मौके पर ही मौत हो गई। पंजवार लाहौर में मलिक सरदार सिंह के छदम नाम से रह रहा था। भारत के इतिहास में 6 मई का दिन आतंक के खौफनाक अध्याय से जुड़ा हुआ है। लगभग 14 वर्ष पहले मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों में से जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को 6 मई को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। 26 नवंबर 2008 का वह दिन आज भी प्रत्येक देशवासी के रोंगटे खड़े कर देता है, जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 10 आतंकवादियों ने घातक हमला किया था। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में सफलता मिली। चक्रवात मोका की तेजी हर बदलते दिन के साथ ही बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए IMD ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक आज शाम से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनेगा। इसके प्रभाव में 8 मई सुबह तक उसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह सिस्टम एक गहरे दबाव के रूप में विकसित होगा और मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा। एक गहरा दबाव 9 मई को मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित होगा। पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार सुकन्या मंडल ने राउत एवेन्यू कोर्ट में जमानत
याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट 12 मई को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई करेगा। 12 मई को ही सुकन्या मंडल की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। टीएमसी नेता अनुव्रता मंडल की बेटी सुकन्या मंडल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। सुकन्या मंडल के खिलाफ ईडी पशु तस्करी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने सुकन्या मंडल को 26 अप्रैल को ही गिरफ्तार किया था। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती हैदराबाद में बड़ी रैली करने वाली है। वह कल रविवार को हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में रैली करेंगी। हालांकि मायावती आज ही हैदराबाद पहुंच जाएंगी। वहां पर वह पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि मायावती तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में बैठक और रैली करने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में जवानों से मुलाकात की और उनकी हिम्मत बढ़ाई। राजौरी में कल हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी राजौरी गए हुए हैं। तिरुपति में कई फर्जी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नाम से बनी कई फर्जी वेबसाइट श्रद्धालुओं को अपने झांसे में लेकर उनके साथ ठगी करती थी। ये फर्जी वेबसाइट से स्पेशल दर्शन और टिकट भी बेचती थी। इसके खिलाफ कई शिकायतों के बाद 41 वेबसाइट को अब बंद कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2961 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस में गिरावट जारी और यह 30,041 तक पहुंच गया है। सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के पास 4 मई को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि एहतियात के तौर पर ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दिया गया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है HK मल्होत्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, संजय चौधरी, नौशाद रजा, MD साकिर हुसैन और दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पशु तस्करी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स